वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं प्रशांत दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट सरकंडा बिलासपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, मैं रीजनिंग की क्लासेस लेके आ रहा हूं। कैलेंडर के 3 पार्ट मैंने कवर कराया है और उससे आप सबका अच्छा खासा रिस्पॉन्स मुझे मिला है। सेकंड टॉपिक है रीजनिंग का, वो लेकर आ चुका हूँ आपके सामने फर्स्ट पार्ट। आज मैं सेकंड पार्ट पढ़ने वाला हूँ, तो इस सेकंड पार्ट को पढ़ने से पहले आप इनइक्वालिटी का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, जिससे आपको ये सेकंड पार्ट समझने में ईजी हो। फर्स्ट पार्ट में मैंने बेसिक समझाया था, बेसिक के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराए थे। वो बेसिक को अगर आप समझ लें तो इनइक्वालिटी के जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे जरूर बनेंगे। आज हम इनइक्वालिटी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में मैंने कहा था कि दो चीज़ें आज मैंने कराने वाला हूँ। पहला पढ़ाने वाला हूँ एदर और केस, और सेकंड पढ़ने वाले हैं कोडेड टाइप क्वेश्चन। कोडेड वाले हमारे CGPSC में 18-19 के वर्ष में पहली बार आया था, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनइक्वालिटी पार्ट टू में जो हम पढ़ने वाले हैं वो टाइप क्या है। तो वो टाइप है एदर और केस। एदर और को हिंदी में क्या कहते हैं, एदर और कहो नेदर नॉर। एदर और को हिंदी में कहते हैं या तो और ना तो। जैसे कि मैंने पहले पार्ट में क्लियर किया था कि क्वेश्चंस किस पैटर्न में आते हैं, तो एक कथन रहता है और कथन नीचे में निष्कर्ष रहते हैं, स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन। वैसे ही तो हमारे ऑप्शन कैसे बनेंगे कि कथन निष्कर्ष पहला सत्य है, निष्कर्ष दूसरा सत्य है, दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, तीनों निष्कर्ष सत्य हैं, वैसे कुछ और आपके ऑप्शंस निकल कर आएंगे। वो क्या रहते हैं जरा देखो, इस प्रकार आएगा या तो एक या तो दो निष्कर्ष, या सीधा लिख दें या तो एक या तो दो निष्कर्ष सत्य हैं, है ना। इंग्लिश में लिखेगा क्या करेगा, इफ एदर वन और टू फॉलोस, इस प्रकार ऑप्शन रहेगा आपके पास। नेदर रहेगा तो ना तो एक ना तो दो सत्य है, और रहेगा इफ नेदर नॉर टू फॉलोस, इस प्रकार ना तो वाला आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते कैसे हैं और एदर और हम कब लगाएंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। प्रश्न कैसे आते हैं, मैं पिछले क्लास समझाया था, एक स्टेटमेंट रहेगा। स्टेटमेंट कैसे रहता है, मान लेते कथन में एक प्रश्न बनाकर समझा दूं कि इज ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू सी और ग्रेटर देन ई, समझने के लिए। और इसके लिए मैं कॉन्क्लूजन बनाऊं, निष्कर्ष बनाऊं, पहला निष्कर्ष ले लूं ए इज ग्रेटर देन बी, और दूसरा निष्कर्ष ले लूं, इसको सी ले लें ज़्यादा बेटर रहेगा, बी लेंगे तो सही है, और ले लें ए इज इक्वल्स टू सी। अब समझेंगे बात को जरा गौर से। हमने पिछले क्लास में देखा था, मतलब पिछले पार्ट में देखा था कि कब बड़ा लेना है, कब छोटा लेना है, कब बड़ा बराबर लेना है, कब छोटा बराबर लेना है, उसका हम पहले पार्ट में अच्छे से हम समझा था। इस तरह के प्रश्नों में या तो या ना तो कब लगेंगे, अब समझना। या तो और ना तो 100% कब लगेंगे, उस बात को समझना। एसी 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 जब निष्कर्ष में एक पूरक युग्म हो, पूरक युग्म, पूरक युग्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब जरा मुझे समझना, मुझे ए सी और ए सी का रिलेशन जानना है, तो मैं ए से सी का रिलेशन क्या बनाऊंगा। तो ए से सी की, जब ए से सी तरफ जाऊंगा तो भैया ग्रेटर इक्वल और इक्वल जब भी रहता है तो रिलेशन कैसे बनेगा, ए और सी के बीच ए इज ग्रेटर इक्वल देन सी, ये रिलेशन बनेगा। जब ये रिलेशन बन रहा है तो भैया ये सही होगा कि ये सही होगा। तो अगर हम पहले पार्ट पे जाएं तो भैया उस हिसाब से भी गलत, ये भी गलत, लेकिन ये गलत नहीं होगा, ना ये गलत ना ये गलत। अब समझेंगे बात ध्यान से। जब भी पहला समझें, कुछ भी हमको कथन दिया रहे और निष्कर्ष में हमेशा पूरक युग्म बने या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बने, और इन दोनों का रिलेशन ए और सी का ग्रेटर इक्वल का आ रहा है, आप इन दोनों को देखो, इस ग्रेटर और इक्वल को जब मैं मिला रहा हूं तो कैसा साइन बन रहा है, ग्रेटर इक्वल का साइन बन रहा है। मतलब ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, मतलब या तो एक सही होगा या तो दो सही होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना समझिएगा, बहुत आसान है इनइक्वालिटी में या तो वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात कि जब भी पूरक युग्म रहेगा तभी तो या तो और ना तो कॉन्सेप्ट लगेगा। पूरक युग्म होने पर ए और सी का रिलेशन देखे, तो ए और सी का रिलेशन हमको क्या दिखा कि ए जो है सी से बड़ा और बराबर है। तो इन दोनों में हम देखें कि पहले कंडीशन में ए बड़ा है और सेकंड कंडीशन में बराबर है। जब भी इस तरह का पूरक युग्म आए तो हमेशा या तो या ना तो कॉन्सेप्ट लगता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, या तो एक या तो दो सत्य है। अब आगे हम दो क्वेश्चंस और लेके इसको बारीकी से समझते हैं। एदर और कॉन्सेप्ट को इन दो प्रश्न से और अच्छे से समझने का हम प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां देखिए IL है, मतलब दोनों कैसा है, पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, युग्म है। तो मैंने कहा था जब भी ये दोनों सेम हो तो हमेशा या तो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब मैं यहां से देखूंगा आई और एल का रिलेशन। तो भैया मैं पहले पार्ट में क्लियर कर चुका हूं, आप जरूर देखें, आई बटन क्लिक करके फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, जिससे आपको चीज़ें समझने में बहुत ही ईजी लगेगा, है ना। चलिए
अब मेरे को I से L का रिलेशन जानना है, मतलब मैं कैसे आ रहा हूँ, दाएं से बाएं की ओर आ रहा हूँ। तो दाएं से बाएं की ओर जब भी आता हूँ तो रिलेशन कैसा होता है हमारा, उल्टा हो जाता है। सिंबल सब उल्टा लेकर करते हैं, हमने समझा था पिछले क्लास में, पिछले पार्ट में। तो मैं I और L का रिलेशन जरा जानूं, उल्टा कर दूं, तो I और L का रिलेशन इस प्रकार बनेगा। ये बात आप पहला पार्ट देखे होंगे तो अच्छे से समझ सकते हैं। अब I L से स्मॉलर और इक्वल है। अब देखो ये I L से स्मॉलर है और यहाँ इक्वल है, तो दोनों से बनता है। यहाँ पास दोनों कैसा है, एक पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, दोनों सेम रहता है, तो हमेशा क्या लगेगा आंसर हमारा, या तो एक या तो दो सत्य है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ समझते हैं। अब देखो P से T का रिलेशन, तो मैंने बता चुका है आपको कि P से R जाएंगे, ये लिंक वाला है, पिछले बार डिक्लेयर किया था। तो P से R गए, फिर R से T गए, तो P और T का रिलेशन देखो, यहाँ भी लेफ्ट टू राइट और यहाँ भी लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पास कैसा रिलेशन बन रहा है कि P जो है T से ग्रेटर और इक्वल है, किससे, T से। तो यहाँ देखो P ग्रेटर है और यहाँ इक्वल है, और दोनों कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो यहाँ भी क्या लगेगा, या तो एक या तो दो हमारा सत्य है। वहां से बातें क्लियर हुआ, तो इतने से ध्यान रखना है ये दोनों जो कॉमन पेयर है वो सेम होना चाहिए, और जो रिलेशन निकल कर आ रहा है इन दोनों वही सेम रिलेशन होने चाहिए। एक बड़ा एक बराबर, एक छोटा एक बराबर, और यहाँ पास एक बड़ा और बराबर, बड़ा बराबर। तो इस प्रकार हम एदर और कॉन्सेप्ट को अच्छे से बना सकते हैं। हमने जैसे पहले पार्ट में पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो कॉन्सेप्ट देखा था, सेम सिंबल लेते हैं कि बड़ा है बड़ा, बराबर है बराबर है तो बड़ा लेंगे, छोटा छोटा बराबर छोटा छोटा लेंगे। राइट टू लेफ्ट मतलब पीछे से अगर रिलेशन पूछता है तो सभी साइन को उल्टा लेते हैं, बड़ा रहेगा छोटा कर देंगे, बड़ा बराबर रहेगा छोटा बराबर कर देंगे। उसके बाद हमने देखा था कि लिंक जो ढूंढने वाला, लिंक में वही सब कॉन्सेप्ट लगाया। फिर हमने देखा एदर और कॉन्सेप्ट, उस सभी कॉन्सेप्ट ये कोड बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये जो पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, CGPSC 18-19 से पूछा था, मैंने प्रश्न पूरा लिख दिया, संसाधन कमी है इसलिए पूरा प्रश्न को मैंने अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पास, और मैं समझाता हूँ। वही पार्ट वन पढ़े हैं और अभी एदर पढ़े हैं, वही पूरे कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर पार्ट वन को एक बार अच्छे से पढ़ लिए आपसे आसानी से हर प्रश्न पढ़ने वाले हैं। मैं समझाता हूँ इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। आपको इस प्रकार से पहले एक बड़ा सा बताया जाएगा कि भाई पहले हमको क्लियर देता था कि ए इज ग्रेटर देन बी, ये पहले क्लियर देता था। अब हमको इस ग्रेटर का अर्थ कुछ देगा, मान लो परसेंटेज दे दिया समझने के लिए, तो या परसेंटेज दे दिया है, एट द रेट दे दिया है, तो इसका अर्थ हम निकालेंगे कि बड़ा होगा कि छोटा होगा कि बड़ा बराबर होगा, इसको हम चीजों को समझेंगे। सबसे पहले देखिए यहां लिखा हुआ है ए डॉलर बी, ए डॉलर बी का अर्थ है, यहां लिखा रहेगा का अर्थ है, जिसको मैं काट दिया हूं, कॉमा लगा दिया, समझेंगे। ए बी से छोटा नहीं है, अगर मैं कहूं कोई व्यक्ति किसी से छोटा नहीं है, मतलब या तो उससे बड़ा होगा या बराबर होगा। तो यहां पर समझेंगे, मैं यहां अच्छे से लिखता हूं, डॉलर का अर्थ, ए डॉलर बी का अर्थ क्या बता रहा है, ए डॉलर बी का अर्थ बता रहा है कि ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है मतलब बड़ा और बराबर होगा। मतलब ए और बी का रिलेशन क्या निकल कर आ रहा है कि ए जो है बी से बड़ा और बराबर है, मतलब डॉलर का अर्थ क्या निकल रहा है, बड़ा और बराबर। अब समझेंगे बात ध्यान से, मैं अच्छे से लिखकर समझा रहा हूं। अगला लिखा हुआ है ए कॉपी राइट बी, ए कॉपी राइट बी, ए बी से ना तो छोटा है और ना बड़ा। भैया कोई छोटा भी नहीं है आपसे और कोई बड़ा भी नहीं है, तो मतलब क्या होगा आपका, हाँ उम्र होगा, मतलब आपका बराबर होगा। तो ए कॉपीराइट बी का अर्थ क्या है कि बराबर, कॉपीराइट का अर्थ क्या है यहाँ पर, बराबर। अब लिखा हुआ है ए एट द रेट बी, ए बी से ना तो छोटा है ना बराबर, मतलब कोई आपसे छोटा भी ना हो और आपके बराबर भी ना हो, मतलब क्या होगा आपसे बड़ा होगा, एकदम सिंपल सी बात है। मतलब मैं सीधा सीधा लिख दूं कि ए एट द रेट बी का अर्थ क्या है, तो मैं क्या कहूंगा जी कि ए जो है बी से ग्रेटर है। अगला लिखा हुआ है ए हैश बी, मतलब हैश टैग जो हैश का चिन्ह बना हुआ है, ये हैश का अर्थ क्या है, ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है मतलब क्या होगा जी, सिर्फ छोटा नहीं बराबर भी तो हो सकता है ना, तो ए बी से बड़ा नहीं है मतलब क्या होगा, छोटा या तो बराबर, छोटा बराबर। अगला लिखा हुआ है, यहां लिख दें हम उसको, अगला ए परसेंटेज बी, ए परसेंटेज बी, इसका अर्थ क्या है, ए बी से ना तो बड़ा है ना बराबर, मतलब भाई आपसे कोई बड़ा भी ना हो, आपसे आपके बराबर भी ना हो, मतलब वो क्या होगा आपसे छोटा होगा। तो हमने देखा यहां पर सब रिलेशन निकाल लिया कि जहां जहां डॉलर लिखा होगा उसको हम बड़ा बराबर मानेंगे, कॉपीराइट को बराबर मानेंगे, एट द रेट को ग्रेटर मानेंगे, हैश को छोटा बराबर, स्मॉलर इक्वल लेजर इक्वल कह सकते हैं, और परसेंटेज जो क्या मानेंगे, लेजर मानेंगे या छोटा मानेंगे। अब इसी पर बेस्ड इन प्रश्नों बनाना है जो हम फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, आई बटन क्लिक करके जरूर देखें उसको, तो उसी माध्यम से उसको बनाएंगे। देखिए कॉपीराइट का अर्थ हमने क्या निकाला है, कॉपीराइट का अर्थ होता है जी यहां पर बराबर। अगला हम देखेंगे
एट द रेट का मतलब क्या है? ग्रेटर. और हमारे पास डॉलर का मीनिंग क्या है यहाँ पर? जी, ग्रेटर इक्वल. तो ये मैं ऊपर लिख दिया हूं ना, फिर से उसको नहीं लिख रहा हूं, समझेंगे. कॉपी एट जगह पे क्या आएगा? बराबर. मतलब मैं फिर से लिख दूं, एक्चुअल में ये मीनिंग क्या हो रहा है, इस प्रकार क्वेश्चन बन रहा है. मैं लिख के समझा दूं जिससे आपको कोई समस्या ना आए, है ना, पहले प्रश्न में, बाकी फॉर्म में आगे बढ़ेंगे. जैसे देखो, ये अर्थ है एक्चुअल में, ये इसका अर्थ जो था, बराबर, बड़ा और बड़ा बराबर, यही एक्चुअल मीनिंग यहां से हमने निकाला है. ठीक, अब देखो, जैसे कि यहां भी लिख लें, एट द रेट का अर्थ क्या है हमारे पास? ग्रेटर. परसेंटेज क्या है? स्मॉलर और स्मॉलर. ठीक है जी, अब समझेंगे. के और आर का रिलेशन, के और आर का रिलेशन, यहां देखो, मैं के से आर के पास जाऊंगा तो यहां इक्वल है, ग्रेटर है और ग्रेटर इक्वल है. जब भी इक्वल, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल आता है तो हमेशा किसको लेते हैं? ग्रेटर को. पहले पार्ट में समझे हैं. तो यहां क्या लिखा हुआ है? एट द रेट. एट द रेट क्या? एट द रेट का मीनिंग क्या है पास? ग्रेटर. मतलब पहला कथन क्या, पहला निष्कर्ष क्या है हमारा? सही है. दूसरा देखिए, आर से पी जाना है, आर से पी जाना है. तो मैंने बताया था कि जब भी राइट टू लेफ्ट पीछे से आएंगे तो सिंबल क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है. सिंबल उल्टा होगा, आर से पी आएंगे तो ये क्या है? ग्रेटर इक्वल, तो स्मॉलर इक्वल. और ये क्या है? ग्रेटर, तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉलर. और जब भी स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर होता है तो हमेशा क्या लेते हैं जी? स्मॉलर. और परसेंट किसका सिंबल है? स्मॉलर का. मतलब ये क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही होगा. थर्ड आते हैं, क्यू से के की ओर जाएंगे, क्यू से के की ओर. तो यहां भी क्या जा रहा है? उल्टा जा रहा है. फिर से देख लो इसको, मैं Q से K की ओर गया तो सबसे पहले यहाँ पास कैसा सिंबल आ रहा है हमारा? ग्रेटर. लेकिन जब भी उल्टा आते हैं तो उस सिंबल को क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, पीछे जाते हैं. तो ग्रेटर क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा. इक्वल तो इक्वल ही रहेगा. तो स्मॉलर और इक्वल रहता तो हमेशा क्या आता है जी? स्मॉलर. और परसेंट का अर्थ यहाँ देख सकते हो, परसेंट क्या है? स्मॉलर. और यहाँ परसेंट कैसा है? स्मॉलर का सिंबल है. तो तीसरा भी क्या होगा? सही. तो इसका अर्थ, इसका आंसर CGPA से निकाल लिया था, तीनों सत्य है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी. दूसरा प्रश्न देखते हैं कैसे होगा. कॉपीराइट का अर्थ क्या है हमारा? इक्वल. हैज का अर्थ क्या है हमारे पास? लेजर इक्वल. एट द रेट का अर्थ क्या है हमारे पास? ग्रेटर. ठीक है जी, अब समझेंगे. यहां भी लिख देता हूं, चीजें इजी होगा आप तो, आपको लोग के लिए. एट द रेट मतलब होगा जी हमारा ग्रेटर. हैज मतलब क्या है? स्मॉलर इक्वल. और डॉलर का अर्थ यहां पर से हमने क्या निकाला था? ग्रेटर इक्वल निकाल कर रखा है यहां पर, है ना. देखेंगे, अब हमको पी से डी का रिलेशन जानना है. तो मैं P से D की ओर जाऊंगा, P से D की ओर. तो जरा देखो, यहां पर ग्रेटर का साइन है और जब आ रहा हूं तो यहां पर किसका साइन है? स्मॉलर इक्वल का. तो जब भी बड़ा बराबर आता है तो मैंने हमेशा क्या कहा था? मतभेद कभी भी वो सही नहीं हो सकता. तो जो हमारा निष्कर्ष पहला है वो क्या हो गया जी? हमारा गलत हो गया. दूसरा देखेंगे, के इज स्मॉलर इक्वल देन पी. मैं फिर से भी बात बता रहा हूं, मैं के से पी की ओर जा रहा हूं तो यहां देखो स्मॉलर इक्वल का चिन्ह है और यहां ग्रेटर का, तो ये भी मतभेद हो गया. तो पहला और दूसरा निष्कर्ष क्या है हमारा? गलत है. तीसरा देखिए, अब मैं एफ से डी की ओर जाऊंगा, मतलब एफ से डी की ओर मतलब उल्टा जा रहा हूं, तो ये स्मॉलर इक्वल है कैसा बन जाएगा? ग्रेटर इक्वल. इक्वल तो इक्वल ही रहेगा. तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल जब साथ में आते हैं तो हमेशा कौन हावी होता है? ग्रेटर इक्वल. पहले पार्ट समझे थे. और यहां पर क्या है? डॉलर. और डॉलर किसको शो करता है जी? ग्रेटर इक्वल को. तो यहां पर तीसरा हमारा जो निष्कर्ष क्या आ रहा है? सही. तो दूसरे का आंसर क्या है? केवल तीन सत्य है, ओनली थर्ड फॉलोस. तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एट द रेट का अर्थ क्या है? यहाँ पास देखिए लिखा हुआ है, एट द रेट हमारा क्या है? ग्रेटर. कॉपीराइट क्या है हमारा? इक्वल. डॉलर क्या है हमारा? ग्रेटर इक्वल. अब समझेंगे, W से M जाऊंगा तो पीछे से आऊंगा और एट द रेट यहाँ भी लिख लेते हैं, चीजें आसान रहेगा हमारे लिए. एट द रेट क्या है हमारा यहाँ पास भाई? ग्रेटर. परसेंटेज क्या है हमारा? स्मॉलर. और डॉलर क्या है हमारा? ग्रेटर इक्वल. समझेंगे बात को ध्यान से. जब मैं W से M आ रहा हूँ तो राइट टू लेफ्ट आ रहा हूँ, और जब भी पीछे से हम आते हैं तो सिंबल क्या होता है? उल्टा होता है. तो यहाँ ग्रेटर इक्वल है, इक्वल है और ये ग्रेटर है. तो उल्टा आएंगे तो ये स्मॉलर इक्वल, ये इक्वल और ये क्या हो जाएगा? स्मॉलर. तो हमेशा क्या आना चाहिए भैया? स्मॉलर रहेगा तो स्मॉलर आएगा. लेकिन यहाँ पास क्या आ रहा है हमारा? ग्रेटर आ रहा है. मतलब ये वाला निष्कर्ष क्या होगा? गलत. बातें समझ में आ रही है ना भाई? मैं पीछे से आ रहा हूँ, W से आऊंगा तो ये वाला सिंबल कैसा हो जाएगा? स्मॉलर इक्वल. ये तो इक्वल ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा? स्मॉलर. और तीनों एक साथ आता है तो हमेशा क्या होता है? स्मॉलर होता है ना, पहले बार समझे थे. लेकिन यहाँ क्या साइन दिया हुआ है? ग्रेटर का. तो पहला क्या होगा जी हमारा? गलत होगा. दूसरा, M परसेंट V. फिर से ही बात, मैं M से V जा रहा हूँ, अब मैं सीधे जा रहा हूँ, मतलब सीधे मतलब लेफ्ट टू राइट. तो जो सिंबल रहेगा वही सिंबल लूंगा. यहाँ ग्रेटर है तो ग्रेटर ही लूंगा, इक्वल है तो इक्वल लूंगा. तो ग्रेटर और इक्वल जब भी आता है तो हमेशा क्या लेते हैं हम? ग्रेटर. लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? स्मॉलर. स्मॉलर कैसे? परसेंट का अर्थ स्मॉलर है. मतलब दूसरा निष्कर्ष भी क्या है हमारा? बिल्कुल गलत है.
अब देखेंगे तीसरा। अब मैं तीसरा को जरा ध्यान से देखूं तो मैं कैसे जा रहा हूं, डी से डब्ल्यू जा रहा हूं, मतलब लेफ्ट टू क्या जा रहा हूं, राइट जा रहा हूं, जैसा सिंबल रहेगा वैसे सिंबल लेंगे। तो ये क्या है हमारा बराबर, और ये क्या है जी हमारा बड़ा बराबर। और जब भी बराबर और बड़ा बराबर होता है तो हमसे क्या लेते हैं बड़ा बराबर, और यहाँ क्या आ रहा है बड़ा बराबर। इस डॉलर का अर्थ क्या है देख लीजिए, डॉलर का अर्थ क्या है बड़ा बराबर। तो तीसरा निष्कर्ष क्या है हमारा सही है। तो तीसरे प्रश्न का मैं कहूंगा जो अंतिम निष्कर्ष है, तीसरा निष्कर्ष है वो क्या सही है, पहला और दूसरा क्या है हमारा गलत है। इसी आधार पर हम चौथा और पांचवा देखते हैं जिससे हमारा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चौथा देखेंगे स्टेटमेंट, डॉलर का अर्थ एट द रेट का अर्थ क्या दिया हुआ है हमारे पास, ग्रेटर दिया हुआ है। डॉलर का अर्थ क्या दिया हुआ है, ग्रेटर इक्वल दिया हुआ है। कॉपीराइट का अर्थ क्या दिया हुआ है हमको, इक्वल दिया हुआ है। यहां लिख लें चीजें आसान रहेगा। हैश का अर्थ क्या है, स्मॉलर इक्वल। परसेंट का अर्थ क्या है, स्मॉलर। और एट द रेट का अर्थ हमारे पास क्या है जी, ग्रेटर। समझेंगे है ना कैसे बनाएंगे। वैसे इन तीनों प्रश्नों को देखने के बाद आप आसानी से दोनों प्रश्न बना सकते हो, मैं फिर भी इनको समझाता हूं जिससे आप कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। M से N, यहां लेकिन रिलेशन किसका पूछा है, N से J की ओर। तो जब भी N से J आ रहे हैं मतलब पीछे से आ रहे हैं तो ये साइन तो इक्वल ही रहेगा, लेकिन ये जो ग्रेटर इक्वल का साइन है वो कैसा हो जाएगा, स्मॉलर इक्वल। तो भैया इन दोनों का साथ आता है तो कौन हावी होता है, स्मॉलर इक्वल। और यहां क्या आ रहा है, स्मॉलर इक्वल। हैश का अर्थ क्या है, स्मॉलर इक्वल। तो पहला निष्कर्ष क्या है हमारा सही है। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे, T से कहां जाएंगे जी हम, M जाएंगे। T से M जाएंगे तो पीछे से आ रहे ना, उल्टा आ रहे हैं यहां भी, तो उल्टा आ रहे हैं तो ये ग्रेटर इक्वल क्या हो जाएगा, स्मॉलर इक्वल। और ये ग्रेटर कैसा हो जाएगा, स्मॉलर। तो ये दोनों साथ में आते तो हमेशा क्या होता है, स्मॉलर। पहले पार्ट क्लियर किया था, और यहां क्या दिया हुआ, स्मॉलर, मतलब परसेंट क्या शो करता है, स्मॉलर। तो दूसरा भी निष्कर्ष क्या है हमारा एकदम सही है। तीसरा देखेंगे, एम एट द रेट एन, मतलब एम से एन तक जाएंगे तो सीधे जा रहे हैं, देखो ध्यान से, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। और तीनों साइन आने पर हमेशा क्या होता है जी, ग्रेटर ही होता है। और यहां क्या दिया हुआ है देखो, एट द रेट किसको शो करता है, ग्रेटर को। तो तीसरा निष्कर्ष भी क्या होगा यहां पर, बिल्कुल सही होगा। तो चौथा प्रश्न का तीनों निष्कर्ष सत्य है, तीनों के तीनों जो हमारे कंक्लूजन है वो क्या है, सही है, ट्रू है। पांचवा प्रश्न भी इसी प्रकार बनेगा, ध्यान से देखेंगे। परसेंट का अर्थ स्मॉलर है, कॉपीराइट का बराबर, और एट द रेट का अर्थ क्या है हमारे पास, ग्रेटर है ना जी। समझेंगे, अब मेरे को R से J का रिलेशन पूछा गया है, किसका, R से J का। मैं उल्टा आ रहा हूं है ना, मैं उल्टा आ रहा हूं, तो ये वाला जो साइन है, उल्टा आने पर ये वाला साइन कैसा हो जाएगा, ग्रेटर, स्मॉलर हो जाएगा। इक्वल तो इक्वल रहेगा, तो क्या आना चाहिए यहां पर, ग्रेटर आना चाहिए, ग्रेटर, सॉरी स्मॉलर। ये ग्रेटर है और ये क्या है, इक्वल है। तो ग्रेटर क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, इक्वल इक्वल रहेगा। तो स्मॉलर इक्वल रहने पर हमेशा क्या आता है, स्मॉलर। क्या परसेंट का अर्थ स्मॉलर है क्या, बिल्कुल, ये स्मॉलर ही है। तो पहला निष्कर्ष भी क्या है हमारा सत्य है। दूसरा निष्कर्ष देखेंगे, एट द रेट यहां लिख देते हैं, इजी होगा हमारे लिए। एट द रेट क्या है हमारे पास, यहां पर ग्रेटर है। मैं अब H से कहां जाना है मेरे को, J जाना है, तो बड़ा आसान है जी। यहां पर देखो स्मॉलर है, यहां ग्रेटर दिया हुआ है, तो पूर्ण रूप से गलत है, चेक करने की आवश्यकता ही नहीं हमको। तीसरा बस देखिए, अब मेरे को जाना है एट द रेट, यहां से देख लेते हैं क्या है, एट द रेट क्या है यहां पर, ये भी स्मॉलर है ना जी। अब समझेंगे, N से H तक जाना है मेरे को, N से H तक जाना है, तो मैं पीछे से आ रहा हूं, तो मैंने बताया था साइन उल्टा कर देते हैं, तो इक्वल्स टू रहेगा, लेकिन जो स्मॉलर है वो कैसा हो जाएगा आपका, ग्रेटर हो जाएगा। और यहां देखिए ग्रेटर, और ग्रेटर किसको शो करता है आपका, एट द रेट को शो करता है। मतलब मेरा तीसरा निष्कर्ष भी क्या होगा, सही होगा। तो इस प्रश्नों को इस प्रकार बनाना है हमको, पहला प्रश्न का उत्तर तीनों सत्य, दूसरे का केवल तीन, तीसरे का केवल तीन, चौथे का तीनों सत्य है, और पांचवे का पहला और तीसरा सत्य है। ये हमारे CGPSC 2018-19 के पेपर में पूछा गया था, जिस पर हम जो फर्स्ट पार्ट पढ़े हैं उस फर्स्ट पार्ट के अनुसार, फर्स्ट पार्ट को हम पढ़ेंगे अच्छे से तो ये पार्ट बहुत आसानी से हमको समझ में आने वाला है। इस तरह के प्रश्न हमारे CGPSC अब पूछना चालू किया है, व्यापम पूछ सकता है, ACF का एग्जाम आ रहा है, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ACF में भी इस प्रकार प्रश्न आएंगे। ACF में DI के प्रश्न पूछे गए हैं पिछले परीक्षाओं में, उससे पहले परीक्षाओं में, तो मैं आने वाले क्लासेस में DI की क्लास लूंगा आप लोग के लिए। तो जो भी क्लासेस ले रहा हूँ, ये आपके आने वाले आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। आप हमारे YouTube के साथ साथ Twitter, Insta, Facebook में हम सबको फॉलो कर सकते हैं। आप जो भी डाउट रहता है उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या जो कमी त्रुटि रहती है उनको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुँचाइए, तो हम उस पर सुधार कर सकें और आप तक अच्छी अच्छी वीडियो हम ला सकें। तो आप इनइक्वालिटी का पार्ट को इसको अच्छे से पढ़िए। ये दो पार्ट मैंने इनइक्वालिटी का लगभग चीज़ें क्लियर कर दिया है। अब आगे पार्ट में कुछ और वीडियोस लेकर आऊँगा, हो सकता है वो रीजनिंग का हो, सकता है कोई मैथ्स का पार्ट हो।
तो आशा करता हूँ आपको इन चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।